हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मेन जो काम है वो है हमारा कार सेल परचेज का, यूज कार सेल परचेज का हमारा काम है। एंड उसी के रिगार्डिंग आज हम साउथ दिल्ली आए हुए थे एंड साथ के साथ हमने सोचा कि क्यों ना हम हौजकास्ट विलेज को कवर कर लें, एक ब्लॉग में आप लोगों को शूट करके दूँ, जिसमें अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा कि कैसा जो हौजकास्ट विलेज है, इसकी हौजकास्ट विलेज की जो मार्केट है, जो मकबरे का था बने हुए हैं। राइट दोस्तों, हौजकास्ट जो डियर पार्क की जो एंट्री है वो ये है। सी लोग यहाँ से आपको आते हुए दिखेंगे एंड इसके बाद में डिवाइड होता रहता है रास्ता, उस तरफ आप तालाब के लिए जाते हैं एंड इधर आप देखेंगे तो शुक्रवार के दिन डियर पार्क का गेट बंद रहता है। राइट, इस तरफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस है एंड काफ़ी सारे पेड़ एंड एक आर्टिस्ट भाई को हमने देखा है यहाँ पर, जो ड्राइंग कर रहे हैं, स्केच तैयार कर रहे हैं। ये डियर पार्क का रास्ता है, जो फेंसिंग की हुई है इसके अंदर सारे के सारे आपको जो है हिरन वगैरह मिलेंगे। हौजकास्ट का क्या ही खास बात है दोस्तों, इससे बढ़िया तो आप चिड़ियाघर चले जाएं, हर तरीके के जानवर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी खास बात है नहीं है इस डियर पार्क की, एक नॉर्मल पार्क की तरह है। इस तरफ दोस्तों ये रास्ता जाता है झील के लिए, तो डियर पार्क में डियर जहाँ पर है उसको तो कवर कर रखा है फेंसिंग को। चलो झील देख लेते हैं इस डियर पार्क की कैसी है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल पार्क से ग्रीनरी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। इस तरफ देखेंगे तो खंडर सा बना पड़ा है, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इतनी बड़ी मेन अट्रैक्शन होने के बावजूद PWD कुछ करता नहीं है यहाँ पर, कुछ कंस्ट्रक्ट करे रेस्टोरेंट काइंड ऑफ। एंट्री पर ही, झील की एंट्री पर ही साइड में एक ओपन जिम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जो आई थिंक बहुत बढ़िया है, इवनिंग टाइम में लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये रास्ता जा रहा है झील की तरफ। ये दोस्तों हौजकास्ट विलेज का जो डियर पार्क है उसमें ये जो लेक है ये मेरे हिसाब से बड़ी अट्रैक्ट है हौजकास्ट विलेज की। एंड इस तरफ आप देखेंगे कुछ मकबरे बने हुए हैं जहाँ पर अब अभी हम जाएंगे। ये है दोस्तों हौजकास्ट विलेज की झील, बतख वगैरह इस झील के किनारे जो हैं काफ़ी गंदे हैं। जो झील है उसके पास आपको बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बड़े बड़े चमगादड़ उल्टे लटके हुए नीम के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी डरा सकते हैं। एंड जो सामने जो झील है उसमें भी ये जो उड़ रहे हैं ये सारे के सारे चमगादड़ हैं, बहुत सारे बंदर आपको मिलने वाले। दोस्तों काफ़ी देर तक हौजकास्ट विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊं तो इसको डिवाइड किया हुआ है, जो मेन अट्रैक्शन है इसकी वो है रोज गार्डन, आपका डियर पार्क एंड तीसरा जो सबसे मेन है, जो मेन अट्रैक्शन है, मेन हाईलाइट है, बाकी तो बस ऐसे ही है, टाइम पास करने की जगह है। जो इसका डियर पार्क है वहाँ पे भी कुछ नहीं है, नॉर्मल आपके जो लोकल पार्क होते हैं उसी तरीके का है। राइट, इवनिंग टाइम मॉर्निंग टाइम में आप उसमें जिम्स वगैरह दी हुई है एंड लेक वगैरह दी हुई है, उसके साथ में रोज गार्डन है, उसमें भी कपल्स के लिए बढ़िया जगह है। जो मेन अट्रैक्शन है हौजकास्ट विलेज की वो है दोस्तों यहाँ की रेस्टोरेंट, पब, नाइट लाइफ। राइट, जो इसकी नाइट लाइफ में जो टच है वो है स्पेनिश टच दिया हुआ है, स्पेनिश म्यूजिक आप लोगों को सुनने को मिलेगा एंड वेस्टर्न कल्चर, यूथ जो है, कॉलेज गोअर्स जो है सारे के सारे यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मैं आपको एक रेस्टोरेंट भी जाएंगे हम, वहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, इंजॉय करेंगे एंड दिखाऊं तो मैं आपको यूथ का ये स्पॉट आप कह सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इस तरीके की शॉप्स, ये स्ट्रीट है एंड डाउनटाउन विलेज, द रेड फ्रॉग, आपको स्पेनिश म्यूजिक बहुत सुनने को मिलेगा। आपको जो जान है ना हौजकास्ट की वो एक गलियां हैं और इन गलियों में ना बहुत सारे आपको कैफेज मिलने वाले हैं जिनमें आपको खाना सर्व किया जाएगा अलॉन्ग विद ग्रेट म्यूजिक, एक सिंगर वगैरह सी। हम इसमें जाने वाले हैं गैलरीज में दोस्तों, छोटी छोटी गैलरीज आपको मिलेंगी जिसमें आपको टैटू शॉप्स वगैरह मिलने वाली है।
इस तरीके के यहाँ पे कैफेज वगैरह हैं, छोटे छोटे। दोस्तों हम आए हुए हैं सोशल में हौज खास विलेज की रेस्ट्रो लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। दीवाने खास लोग बैठे हुए कपल्स, ऊपर वाला जो फ्लोर है कुछ ऐसा है। वाओ व्हाट क्राउड दोस्तों, हौज खास आओ तो सोशल जो कैफे है वहां आओ, बेस्ट कैफे है। यहां से आपको जो नज़ारा मिलेगा वो आपका